ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। भैया, हमारे घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें। तो अगर आपके घर में चाहे छोटी बीमारी है या फिर बड़ी बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस नींबू का रस लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ होंगी सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। देखो, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग चार बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। चलो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नींबू। हमें कितने नींबू चाहिए? आपको एक नींबू लेना होगा और उस नींबू के भी आधे भाग को लेना होगा, पूरे भाग को नहीं, मात्र आधे भाग को ले लेना, ठीक है। एक नींबू को काट लेना, आधा घर पर ही छोड़ देना, अपना जो भी खाना पीना होगा पी लेना, और दूसरा इस तरीके से रख करके अपने पास रखना, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से दूध, और जो दूध लोगे वो गौ माता का यानी कि गाय का दूध होना चाहिए, वो भी कच्चा दूध। कौन सा? कच्चा दूध लेना, ठीक है, ले लिया। लेकिन दूध कितनी लोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको आधा कटोरी दूध लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधा कटोरी मुश्किल से दूध को लेना, ठीक है। ले करके क्या करोगे, दोनों चीज़ को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहला काम ये होगा कि आपको एक लोटा शुद्ध जल सबसे पहले समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, और कोशिश ये करना कि ऐसे महादेव के मंदिर के पास जाना जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, बहुत ही रेयर हो, मतलब कि बहुत कम ही लोग वहाँ आते हों, ऐसे चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, ठीक है। पहले जल चढ़ा देना, हाथों से अच्छे तरीके से शिवलिंग को साफ कर देना, ठीक है। साफ करना, जो आपके पास में आधा कटोरी दूध है ना, आधा कटोरी दूध है आपके पास, उस आधे कटोरी दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। महादेव का कोई सा भी नाम, कुंद केश्वर महादेव का नाम लेके, हाट केश्वर महादेव का नाम लेके, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके, जो भी आपको मन को पसंद हो वो नाम लेना और आधा कटोरी दूध समर्पित करना। जब दूध समर्पित करोगे, बहता हुआ ये दूध जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। इस दूध को गिरने नहीं देना है, किसी और सदस्य को अपने घर से लेके जाना और इनसे कह देना इस दूध को रोकने के लिए, ठीक है। जितना भी दूध आप रोक पाओ रोक लेना, ठीक है। अभी आपके पास आधा नींबू है, उसको कुछ नहीं करना है। जब आपने यहां पर रोक लिया इस दूध को, फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है ना। जो आधा कटोरी दूध आपने रोक रखा है महादेव के शिवलिंग से, उसको लेकर के महादेव की चौखट पे आकर के बैठ जाना। चाहे तो इस साइड बैठोगे या फिर इस साइड, किसी भी साइड बैठना, बस बीच में मत बैठना, बैठना और महादेव के शिवलिंग को देखते देखते जो आपके पास आधा नींबू है ना कटा हुआ, उस आधे नींबू को उस कटोरी में अच्छे तरीके से निचोड़ करके तुरंत पी जाना। एक सेकंड भी गैप मत करना। अगर आपने सोचा रुक जाएं थोड़ा प्रार्थना कर लें, तो वो दूध तुरंत फट जाएगा, फिर आपको नुकसान कर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो दूध आप महादेव के शिवलिंग से रोक कर लाए हो, जैसे ही आप चौखट पर बैठो, जैसे ही तुरंत आपने नींबू कस के निचोड़ा और तुरंत महादेव को देखते देखते पी जाओ। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, महीने में एक दिन, हफ्ते में एक दिन या फिर दो हफ्तों में एक दिन, किसी भी दिन कर लेता है, उसकी सारी बीमारियां खत्म होती है। पेट की तो समस्या सारी खत्म हो ही जाती है, बाकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो भी खत्म जरूर होंगी, ठीक है। समझ में ही बात। तो यहां पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किन के लिए है? अगर आपके घर में पितृदोष बहुत लगता है, मतलब आप सोचते हो ना कि हमारे घर में हर इंसान बीमार पड़ता है, हर इंसान की इच्छा नहीं पूरी हो रही है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो कारण होता है पितृदोष का। क्या करोगे? आपको इस तरीके से लेना होगा दूध, एक कटोरी दूध लेना इस बार, लेकिन वो दूध लोगे चांदी की कटोरी में। किसमें? चांदी की कटोरी में। अब यहीं पे बहुत लोग परेशान, भैया हमारे पास चांदी कटोरी नहीं है, हमारे पास ग्लास नहीं है, ये तो आपको किसी भी पात्र में एक कटोरी दूध लेना। अगर चांदी का है पात्र तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ले लेना। और आपको साथ ही साथ लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से कटा पिटा हुआ ना हो, ठीक है। क्या करेंगे, इस एक बेलपत्र को जो एक कटोरी दूध लिया है उसमें आप डुबा देना, अच्छे तरीके से डुबा देना, और इस कटोरी को अपने हाथ में लेके जितने भी कमरे होंगे आपके घर में ना, जितने भी रूम्स होंगे उनमें लेकर के घूम लेना। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह पर लेके घूम लेना, ठीक है। घूमने के बाद क्या करेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और दोपहर में 12 बजे, चाहे तो आप अपने घर पे कर सकते हैं या फिर महादेव के मंदिर में, दोपहर में 12 बजे किसी भी दिन, जिस दिन आपकी इच्छा हो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर वो बेलपत्र और दूध एक साथ समर्पित कर देना, और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। इससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं और हमारे घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर से बाहर चली जाती है, ठीक है। समझ में ये बात, बहुत ही आसान सा उपाय था, आपको जरूर करना चाहिए। तो दो उपाय की बात यहां पर हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ।
अच्छा तीसरा उपाय कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले छोटा सा काम और वह है वीडियो करिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। होगा आपको लेना होगा एक चावल का दाना, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक चावल का दाना जो बिल्कुल टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, खड़ा खड़ा चावल का दाना लेना, ठीक है। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। अगर आपके घर में पीला चंदन नहीं है तो मेरे जो भी भाई बहन हैं वो लाल चंदन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी चंदन लेना उसको छोटी सी कटोरी में डालना, हल्का सा पानी डालना, अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना। उसके बाद आपको लेना होगा एक बेलपत्र, है ना, जो बात बताऊँगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो एक बेलपत्र आपने लिया है, जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को सिर्फ इस बड़ी पत्ती पे लगाओगे, और कहीं नहीं लगाना है, सिर्फ इस बड़ी पत्ती पे आपको लगा लेना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। देखो कैसे मैंने लगा दिया, ऐसे आप भी लगाना। और जो एक चावल का दाना है ना, उस एक चावल के दाने को भी आपको क्या करेंगे, इसी के ऊपर रख देंगे, ठीक है, रख दिया। और ऐसे ही सजा हुआ ये बेलपत्र लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फेस ना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और वह चावल लगा हुआ जो बेलपत्र है, जो चंदन है, वह महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। इतना समर्पित करने के बाद जल वगैरह समर्पित नहीं करना है, जल वगैरह अगर आपको समर्पित करना है तो इस उपाय से पहले जो भी पूजन पाठ करनी होगी कर लेना, एंड में जाकर के इस उपाय को करना, अपनी जो भी विशेष हैं, जो भी कामना है, जो भी कष्ट हैं, उस बात को महादेव को देखते देखते कह देना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक दिन या फिर एक नियम बना करके इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और इससे महादेव बहुत खुश होते हैं, ठीक है, समझ में ही बात। चलो तो तीन उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग चौथे उपाय, और चौथा उपाय बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही आसान सा है। अगर आप कभी भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाते हो, कभी भी, चाहे बिजनेस हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कभी नौकरी हो, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए जाते हो और वो आपका काम नहीं बनता ना, तो आगे से इस काम को करके जाना, सारी इच्छाएँ आपकी सफल होती चली जाएंगी, ठीक है। चाहे आप हों, आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहे ना। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है, आपको एक बेलपत्र मिल जाए, एक ले लो, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, जितने भी बेलपत्र आपको मिल जाए ले लेना, लेकिन वो कहीं से कटी पिटी हुई नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र लेना, ठीक है, ले लिया। अब इस बेलपत्र के साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, लेकिन यहाँ पर एक लोटा नहीं लेना है, हमें लेना होगा दो पात्र, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दो पात्र। अब वो दो पात्र आप चाहे तो दो तांबे का लोटा ले सकते हैं, दो स्टील ले सकते हैं, दो ग्लास ले लो, दो कटोरी, कहने का मतलब दो ही पात्र चाहिए, अब आपकी इच्छा है, लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, ले लिया। अब देखो इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक, पहुँचे, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास जितनी भी बेलपत्र आपने ले रखी है, एक, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, उन्नीस, जितनी भी ले रखी है, वो पूरा का पूरा एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, एक साथ समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित किया, आपके पास दो पात्र में जल है, अरे है ना, तो दोनों जो पात्र का जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ समर्पित करोगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है, वो है एकांक्षी महादेव। कौन से महादेव? एकांक्षी महादेव के नाम से वह दोनों कलश को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। किसी भी काम के लिए जा रहे हो, उस काम से पहले इस उपाय को करके जाना, आपका वो काम 100% सफल होगा, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमने बात कर ली है चार उपाय की, इनमें से जो भी उपाय आपको आसान लगते हैं, इजी लगते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।